सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट बिग बैश T20 मैच दोस्तों आज खेले जाने वाला है। आज के इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन डिफरेंशियल टीम बना सकते हो। दोस्तों पूरा जो फोकस होने वाला है ना वो पूरा फोकस हम लोगों का मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाने के पीछे होने वाला है। ठीक है, स्मॉल लीग और हेड टू हेड के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आप लोगों को बता दूंगा। वैसे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है ना, उसे ज्वाइन कर लेना। हेड टू हेड और स्मॉल लीग के आप लोगों की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी तक इन दोनों टीम के परफॉर्मेंस को देखते हैं और पहले देखते हैं कि कौन सी टीम यहां पर ज्यादा मजबूत टीम लग रही है। ओके, अगर बात करूं सिडनी सिक्सर्स की तो सिडनी सिक्सर्स ने अभी तक अपने टोटल 6 मैच खेले हैं जिसमें से कि 5 मैच विन किया है और एक ही मैच लॉस किया है। वहीं बात करूं आप लोगों से ब्रिस्बेन हीट की तो ब्रिस्बेन हीट ने अभी तक 6 मैच खेले हैं जिसमें से कि सिर्फ 2 मैच विन किए हैं और 4 मैच लॉस किए हैं। ओके, अगर यहां पर मैं दोनों टीम के प्लेयर्स को देखू ना तो यहां पर आप लोग इजिली एक बात तो कह सकते हो, क्या सिडनी सिक्सर्स की जीतने की प्रोबेबिलिटी ब्रिस्बेन हीट के मुकाबले में काफी ज्यादा लग रही है। ठीक है, इसीलिए ध्यान क्या रखना, जो आप लोग प्लेयर ले जाओगे ना तो ज्यादा प्लेयर आप लोग सिडनी सिक्सर्स की टीम से ले जाना, ब्रिस्बेन हीट की टीम से हम लोग सिर्फ 5 प्लेयर ही लेकर जाने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो यहां पर जो हम लोग टीम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ना वो पूरा टीम हम एट एक ही जगह पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब विकेट कीपर वाला सेक्शन, उसके बाद आप लोगों का बैटिंग वाला सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन, बॉलिंग सेक्शन, सब कुछ यहीं पर कवर होने वाला है। ठीक है, और कैप्टन वाइस कैप्टन के इंपॉर्टेंट कंटेंडर भी आप लोगों को बता दूंगा। और पूरा फोकस जो होगा ना यहां पर वो मेगा ग्रैंड लीग के लिए होगा। ठीक है, इसीलिए मेगा ग्रैंड लीग अगर खेलते हो ना तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पक्का से देखना। ओके, विकेट कीपर वाले सेक्शन की बात करूं तो जे फिलिपे आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे सिडनी सिक्सर्स पे, वहीं ब्रिस्बेन हीट पे आप लोगों को बेन डकेट और जे पियर्सन खेलते हुए दिखेंगे। ठीक है, जे पियर्सन के फॉर्म को देखोगे तो 6-4-0-11-2 इन्होंने कुछ नहीं किया है अभी तक और वैसे भी आते भी काफी नीचे है। ठीक है ना, आप अगर देखोगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डाउन पोजिशन पे आते हैं और फॉर्म पे भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जे पियर्सन को तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। अब दो चीज रह जाते हैं आपके पास, जे फिलिपे अगर आप लोग देखोगे 72 और 99 रन की पारी खेली थी, फिर 23 रन का नॉकआउट था, फिर लास्ट मैच यहां और यहां फ्लॉप हुए, 35 का इनका एवरेज है। बेन डकेट ने इस बार ही बिग बैश खेलना स्टार्ट किया है। ठीक है, पहले 3 मैच इनके बहुत खराब गए थे बट प्लेयर अच्छे हैं तो कवर अप किया इन्होंने, लास्ट के 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 78 और 54 रन बनाए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को किस प्लेयर को लेकर जाना चाहिए, जो मेरा मानना है यहां पर आप लोगों को जे फिलिपे को लेकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जे फिलिपे के लास्ट के 2 मैच उतने सही नहीं गए हैं। ठीक है, कवर अप आएगा पक्का से और जे फिलिपे आप लोगों को अच्छा खेलता हुआ दिखेगा। ओके, बट बेन डकेट भी अच्छा प्लेयर है, वो भी अच्छे फॉर्म पे दिख रहा है। ठीक है, 78 और 54 लास्ट के दोनों मैच में इसने हाफ सेंचुरी मारी है, तो आप लोगों ने यहां पर क्या करना है, यहां पर आप लोग डिफरेंशियल पिक रखोगे। डिफरेंशियल पिक में किसे ट्राई करोगे आप लोग? बेन डकेट को ट्राई करोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को हर पोजीशन का डिफरेंशियल प्लेयर बता दूंगा कि कौन से प्लेयर को आप लोगों को किस जगह पर डिफरेंशियल रखना है। मतलब मोस्टली ज्यादातर टीम पे आप लोग जे फिलिपे को लेकर चलना, बट कुछ टीम पे डिफरेंशियल पे आप लोग बेन डकेट को भी ट्राई करोगे। ठीक है, ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्या जे फिलिपे या बेन डकेट में से कोई आप लोगों को कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर दिखता है? जी हाँ, जे फिलिपे मुझे अच्छा एक सीवीसी का ऑप्शन लगता है। क्यों? क्योंकि 2 इनिंग्स इसने बहुत बेहतरीन खेली है और पोटेंशियल प्लेयर है, कभी भी आप लोगों को लंबी पारी खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, इसीलिए जे फिलिपे आप लोगों को यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन का भी एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर है। ओके, अब आ जाओ आप लोग बैटिंग वाले सेक्शन पे। अच्छा, बैटिंग वाले सेक्शन को अगर आप लोग देखोगे तो अभी हम लोगों ने विकेट कीपर वाले सेक्शन को डिस्कस कर लिया, तो जे फिलिपे को डिस्कस कर लिया, बेन डकेट को डिस्कस कर लिया, जे पियर्सन को डिस्कस कर लिया। ओके, मैं भूल गया, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख लीजिए ताकि आप लोगों को टीम बनाते वक्त दोबारा से मदद हो जाए। ठीक है, आप लोग भी इन स्टैट्स को ध्यान पे रखते हुए
मेरी बताई हुई टीम पे इम्प्रोवाइज करके अपने लिए एक बेहतरीन टीम बना सकते हो, साथ ही साथ इस डिफरेंशियल पे पक्का से ध्यान देना दोस्तों। ओके, अब आ जाओ बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को मैंने लास्ट मैच में भी बताया था कि डी ह्यूज एक अच्छी पारी खेल सकता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग नेगलेक्ट कर रहे थे और मैंने बताया था कि उसका एवरेज अच्छा है, वो एक अच्छा प्लेयर है, अच्छी पारी कभी भी खेल सकता है। ठीक है, अब देखो बैटिंग वाले सेक्शन पे इन जनरल आप लोगों को लोग कौन कौन से प्लेयर लेकर जाते हुए दिखेंगे वो बता देता हूं। देखो, लोगों के टीम पे जे विंसे होने वाला है, लोगों के टीम पे क्रिस लीन होने वाला है और लोगों के टीम पे एस हेजलेट होने वाला है। ये मतलब फिक्स प्लेयर है लोगों के टीम के। ठीक है, मतलब स्मॉल लीग पे जो आप लोगों का अपोनेंट होगा ना उसके प्लेयर आप लोगों को बता दे रहा हूं। एक होगा जे विंसे, एक होगा क्रिस लीन और एक होगा एस हेजलेट। ये तीन प्लेयर आप लोगों को फिक्स प्लेयर दिखेंगे लोगों के टीम पे। बट एक बात कंफर्म बता देता हूं आप लोगों को, ये तीन प्लेयर अगर यहां पर लेकर गए ना, ठीक है, सारे इन्फ्लुएंसर, सारे यूट्यूबर, सारे टेलीग्राम, सब यही तीन प्लेयर लेकर जा रहे होंगे। ठीक है ना, जो भी आप लोगों को बता रहा है, अगर आप लोग भी ये तीन टीम लेकर जा रहे हो ना तो मेगा ग्रैंड लीग आप लोगों के लिए बस एक सपना रह जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो वही होगी भेड़ चाल, मतलब जहां एक प्लेयर जा रहा है उसी के पीछे सारे जा रहे हैं। तो ऐसी टीम कभी मेगा ग्रैंड लीग के लिए नहीं बनती है। मेगा ग्रैंड लीग के लिए हम लोगों को लेना पड़ता है क्या? रिस्क। अब रिस्क कहां कहां पर है, कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, उस चीज को समझो आप लोग। देखो यहां से अगर आप लोग देखोगे ना, एम ब्रायंट और टी कूपर, ठीक है, और यहां से अगर आप लोग देखोगे तो यहां से आप लोगों को डी ह्यूज, ये तीन आप लोगों के लिए जो प्लेयर दिख रहे हैं ना, एम ब्रायंट, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो एम ब्रायंट, टी कूपर और डी ह्यूज, ये तीन प्लेयर, ये तीन प्लेयर में से अगर एक प्लेयर आप लोगों के टीम पर है ना तो आप लोग सोच सकते हो कि हाँ आप लोगों की टीम मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग टीम बना रहे हो। क्यों? क्योंकि एम ब्राइंट नेग्लेक्टेड प्लेयर है, टी कूपर नेग्लेक्टेड प्लेयर है और आप लोगों का डी ह्यूज भी नेग्लेक्टेड है। तो डी ह्यूज ने लास्ट मैच में थोड़ी अच्छी पारी खेली थी तो लोग उसे लेकर जाना पसंद करेंगे आप। ठीक है, मैं देखो जे सेल तक इसलिए नहीं जा रहा हूं, दो जे सेल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 30 का एवरेज रखता है। जैसे इतना अगर सिडनी सिक्सर्स की टीम पहले बैटिंग करने आएगी ना तो उस केस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, बट अगर सेकेंड इनिंग्स में सिडनी सिक्सर्स की टीम चेस कर रही होगी ना तो उस केस में जैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लो कि जेसिल्क कब इंपॉर्टेंट है। जेसिल्क तभी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए अगर सिडनी सिक्सर्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है, अगर चेस करने आती है तो जेसिल्क को आप लोग इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर मैंने क्या बोला, एम ब्रायंट, टी कूपर और डी ह्यूज, इन तीनों में से अगर आप लोगों के पास एक प्लेयर नहीं है ना तो मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टीम नहीं बना रहे हो। ठीक है, और आप लोग देख लेना जितने भी लोग है ना, मैं तो सीधा बता देता हूं यार कौन क्या प्लेयर लेकर जाने हैं, सब पता होता है, यही है जे विंसे, क्रिस लीन और एस हेजलेट। इवन आप लोगों को मेरी स्मॉल लीग के टीम पे भी शायद यही प्लेयर दिखेंगे। ठीक है, बट मेगा ग्रैंड लीग के लिए ना हम लोगों को रिस्क लेना होता है तो ये वो रिस्क पोजिशन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, यहां पर हम लोग रिस्क लेंगे। ओके, अब ये दो पोजीशन को हम लोग कैसे फिल करेंगे। ठीक है, फिर अच्छा अब ये जो पोजीशन है ना इसके लिए आप लोग जे विंसे को ले लो, क्लियर, आप लोग क्रिस लीन को ले लो, ठीक है, जे विंसे को ले लो, क्रिस लीन को ले लो और एस हेजलेट को ले लो, इन तीन प्लेयर को ले लिया। इन तीन प्लेयर से अब आप लोगों ने इस पोजीशन को फिक्स करना है। ठीक है, इन तीन प्लेयर से आप लोग इन दो पोजीशन को फिक्स करोगे, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। देखो आप लोगों के पास जे विंसे के साथ आप लोगों ने एक बार क्रिस लीन को ट्राई करना है, जे विंसे के साथ एक बार आप लोग हेजलेट को ट्राई करोगे और एक बार क्रिस लीन के साथ हेजलेट को ट्राई करोगे, जे विंसे को ड्रॉप कर देना। ये आप लोगों की टीम वन होगी, ये आप लोगों की टीम टू होगी, ये आप लोगों की टीम थ्री होगी और ये आप लोगों का क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना फैंटेसी, आप सभी लोग बोलते हैं लक फैक्टर, तो ये आप लोगों का लक फैक्टर होगा कि इन तीन प्लेयर में से किस प्लेयर को आप चूज करते हो और वो प्लेयर चलता है कि नहीं चलता। यहां पर तो डिफरेंशियल बनाओगे बट यहां पर आप लोग अपने लक को यूज करोगे। ठीक है, एम ब्रायन, टी कूपर और डी ह्यूज में से एक ना एक आप लोगों को ड्रीम टीम का मेंबर बनता हुआ दिखेगा।
सेकंड चीज आ जाओ अब कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर कौन। देखो यहां पर ना एस हेजलेट आप लोगों के लिए सीबीसी का कंटेंडर नहीं है, मतलब एस हेजलेट यहां पे सीबीसी का कंटेंडर नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए सीबीसी का कंटेंडर कौन होगा, या तो जेविंस है, जेविंस ने अच्छी पारी नहीं खेली है इस बात को ध्यान रखना, बड़ी पारी खेल सकता है, और क्रिस लिन, ठीक है, ये दो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, जेविंस और क्रिस लिन, इन दोनों में से आप लोग किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, मतलब ये दोनों आप लोगों के लिए सीबीसी के कंटेंडर बनते हैं। ये वाला पोजीशन बस ड्रीम टीम के लिए आप लोगों का पोजीशन बनेगा। क्लियर, बैटिंग वाला सेक्शन क्लियर, कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूं, जो फैक्ट आप लोग लैक कर रहे हो, जिसके वजह से आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि हम लोगों से बन ही नहीं पाता टीम, इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि आप लोग ना यहां पर मिस कर जाते हो। ठीक है, बट इन पोजीशंस पे खेलना स्टार्ट करो, वीडियोस को रेगुलरली देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोलता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। अब आ जाओ आप लोग ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे, जे बेसली फिक्स प्लेयर है ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे, इसे देखोगे ना तो मतलब ये डिस्कस हो गए, ठीक है, सारे इन्हें मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूं, जेविन से भी हो गया, ड्यूज भी हो गया, जेसिल भी हो गया। अच्छा, ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे सिडनी सिक्सर्स पे आप लोगों को मोजेस एनरिकेज और डेनियल क्रिश्चियन खेलते हुए दिखेंगे, वहीं ब्रिस्बेन हीट पे आप लोगों को दिखेगा जे बेसले। जे बेसले को अगर आप लोग देखोगे ना, डेथ पे बॉलिंग करने आता है, ठीक है ना, डेथ पे बॉलिंग करने आता है, किसके साथ, स्टेकिटी के साथ डेथ पे बॉलिंग करने आता है, विकेट टेकर है, हर मैच में विकेट लिए हैं, 2-2, 1-3, 1। तो जे बेसले एक फिक्स प्लेयर है, जे बेसले को फिक्स कर लेना। क्या इसे हमें कैप्टन वाइस कैप्टन रखना चाहिए, नहीं रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इस पोजीशन पे आ जाओ, इस पोजीशन पे जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भैया मोजेस हेनरिकेस और डेनियल क्रिश्चियन में से एक प्लेयर तो आप लोगों ने रहना ही है। मोजेस हेनरिकेस ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहा, इससे पहले वाले मैच में भी आई गेस इसने 76 रन बनाए थे, हम लोगों ने लास्ट पांच मैच के ही रिकॉर्ड लिखे हैं, उसके बाद लास्ट चार मैच से तो फ्लॉप ही चल रहा है, फ्लॉप क्या चल रहा है, ठीक ठाक ही बना रहा है, बट लास्ट मैच में फ्लॉप था। डेनियल क्रिश्चियन को अगर आप लोग देखोगे तो एक बार 3 विकेट ले गया, लास्ट मैच में 41 रन बना गया, यहां पर 1 विकेट ले गया, जब ये फ्लॉप हो रहा है तो ये चल रहा है, ठीक है, अब ये चलता है तो ये फ्लॉप हो जाता है, ठीक है, इसीलिए क्या है, मोजेस हेनरिकेस और डेनियल क्रिश्चियन, इन दोनों पे भी डिफरेंशियल चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक चलता है। सीरियसली बताऊं, मुझे नहीं पता है कौन चलने वाला है। हाँ, एक लॉजिक दे सकता हूं, अगर सिडनी सिक्सर्स की टीम पहले बॉलिंग करने आई ना तो डेनियल क्रिश्चियन के साथ जाना, सेकेंड इनिंग्स के लिए मोजेस हेनरिकेस के साथ जाना, मतलब अगर चेस कर रही होगी तो मोजेस हेनरिकेस के साथ जाना, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ सही बोल रहा हूं, अगर डेनियल क्रिश्चियन मतलब पहले बॉलिंग आती है तो डेनियल क्रिश्चियन के साथ जाना, पहले बैटिंग आ जाती है तो आप लोग मोजेस हेनरिकेस के साथ जाना, ये मतलब एक मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं कि किस हिसाब से इन दोनों प्लेयर को लेना चाहिए, बट तब भी मैं बता नहीं सकता कौन चलने वाला है, बट एक पक्का चलेगा और यहां पर जे बेसले होगा, यहां पर यही प्लेयर दिखेंगे, यहां पर यही प्लेयर दिखने वाले हैं। बॉलिंग वाले सेक्शन पे आते हैं, सबसे टिपिकल सेक्शन और सबसे दिमाग लगाने वाला सेक्शन, ठीक है, यही सेक्शन गेम चेंज करता है हमेशा से। एक दो फिक्स प्लेयर है जिन्हें तो आप लोगों ने लेकर ही चलना है, ठीक है, जैसे कौन कौन से, अब यहां से देखो बॉलिंग लाइनअप देखो, एस अबॉट, एच कर, बी डार्शुइस, एम एडवर्ड, ठीक है, लास्ट मैच खेले थे एम एडवर्ड, सब्स्टिट्यूट थे बट खेले यही थे, एल्पो, ठीक है, और यहां पर देखोगे एम स्टेकिटी, एम कुनिमान, मुजिबर रहमान और एल गुत्री। अब यहां पर देखो कौन कौन से प्लेयर फिक्स प्लेयर है, एक तो एम स्टेकिटी को लेकर चलना है, तो नाम भी ऐसे होते ना, ठीक है, एक तो एम स्टेकिटी को लेकर चलना है, ठीक है, विकेट टेकर है, ओपन और डेथ पे बॉलिंग करता है, यहां देखो 2-3-3 विकेट इसे मिलते ही है, ठीक है, तो एक तो एम स्टेकिटी को आप लोगों ने फिक्स करना है। इस तरफ से आ जाओ फिक्स प्लेयर, एस अबॉट, ओपन और डेथ पे बॉलिंग करता है, जबरदस्त बॉलिंग करता है, इसे लेकर चलना है एस अबॉट को, यहां पर चलो एस अबॉट को लेकर ही चलना है, ठीक है, अच्छा एस अबॉट हो गया, यहां देखो 3 विकेट 3-2, अच्छा एस अबॉट के बाद जो प्लेयर आप लोग लेकर चलोगे, देखो स्पिनर को अगर आप लोग एच कर को देखोगे ना तो ये डेथ पे बॉलिंग करने आता है, ये भी विकेट निकाल नहीं लेता है, देख रहे हो हर मैच में ये भी विकेट निकालता है, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाला था, डेथ पे बॉलिंग करने आता है, खास बात है, इसीलिए विकेट लेकर जाता है, ठीक है, तो एस अबॉट के साथ ना आप लोग यहां से यहां पर डिफरेंशियल देता हूं, ठीक है, एच कर और बी डार्शुइस,
यहां पर डिफरेंशियल रखना इन दोनों के बीच में, पता नहीं इन दोनों में से कौन विकेट लेकर जाएगा। लास्ट मैच में तो दोनों लेकर गए थे, हाँ, बट एक पक्का लेकर जाएगा और एक आप लोगों को ड्रीम टीम का मेंबर बनता हुआ दिखेगा। एक एल पोप को भी लेकर जाना, एल पोप कोई नहीं लेकर जाता इसे, बट आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पे लेकर जाओगे। स्पिन बॉलिंग करता है, यहां देखो एक और दो विकेट, मतलब इसे विकेट मिल ही जाते हैं। एक तो एल पोप इंपॉर्टेंट है, एम स्टेकिटी इंपॉर्टेंट है, एस अबॉट इंपॉर्टेंट है, एच कर और बी डार्शो, इसमें आप लोगों ने डिफरेंशियल बनाना है। और यहां पर जो ये प्लेस है ना, इस प्लेस पे आप लोग लेकर जाओगे एल गुथरी को, ठीक है, एल गुथरी को। तो देखो ये ऐसे प्लेयर है ना, ये एल पॉप कोई नहीं लेकर जा रहा होगा, एल गुथरी कोई नहीं लेकर जा रहा होगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बट ये वाले प्लेयर कोई नहीं लेकर जा रहा होगा। यही आप लोगों के लिए गेम चेंजर है दोस्तों, यही प्लेयर गेम चेंजर प्लेयर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही पड़ता है, ऐसे प्लेयर हम लोगों को ऐड करने ही पड़ते हैं जिन प्लेयर को कम लोग लेकर जा रहे हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। ये प्लेयर, ये प्लेयर, ये प्लेयर, इनका सिलेक्शन परसेंटेज आप लोगों को 30% से नीचे दिखेगा, ठीक है, और यही आप लोगों के लिए गेम चेंजर होंगे कल के मैच पे, ठीक है। अच्छा, बॉलिंग वाले सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर, अब सुनो, एक आप लोगों के लिए एस अबॉट अच्छा ऑप्शन है सीवीसी का, दूसरा ऑप्शन है एम स्टेकिटी सीवीसी का, इन दोनों को आप लोग सीवीसी रखना अपने टीम में, ठीक है। बॉलिंग वाले सेक्शन से अगर लेना होगा तो एस अबॉट और एम स्टेकिटी को रखना। अच्छा, ऑलराउंडर वाले सेक्शन से जरूरत नहीं है, बैटिंग वाले सेक्शन से, विकेट कीपर वाले सेक्शन से जे फिलिपे को आप लोग रख सकते हो, और यहां से आप लोगों को पास जे विंसे और क्रिस लीन को आप लोग रख सकते हो। अच्छा, अब ये जब टीम बनाओगे ना तो आप लोगों को क्रेडिट का भी कोई इशू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे प्लेयर ले रखे हैं जिनकी क्रेडिट पॉइंट्स बहुत कम है दोस्तों। अगर आप लोग सेम कॉम्बिनेशंस भी बनाते हो ना, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कितनी पॉसिबल टीम बनेगी। यहां पर तीन हो गई, तीन और दो छह, छह, मतलब अगर आप लोग 12 टीम बनाते हो तो आप लोग ये सारी टीम जो ये मैंने कॉम्बिनेशंस बनाया है ना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आप लोगों के 12 टीम के अंदर चले जाएगी। ये आप लोगों का लक फैक्टर है कल के लिए, ठीक है, जो लक फैक्टर कहते हैं ना वो यहां पर छुपा हुआ है, ठीक है। यहां से एक प्लेयर आप लोगों ने चुनना है, कौन सा प्लेयर है आप लोग देख लेना, कोई ना कोई एक चलेगा ही चलेगा। ज्यादा चांसेस मुझे एम ब्राइंट या टी कूपर में से किसी के लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि डी ह्यूज लास्ट मैच में अच्छा खेल चुका है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने मेगा ग्रैंड लीग के लिए अपने लिए एक डिफरेंशियल टीम बनाना है दोस्तों। यहां पर मेरा वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही रहता है कि आप लोग बेहतरीन डिफरेंशियल टीम बना पाओ, ये नहीं है कि आप लोग जैसे भेड़ चाल की तरह टीम बनाकर जाओ और आप लोग सोचो कि हाँ मैं मेगा ग्रैंड लीग पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करूंगा। मेगा ग्रैंड लीग के लिए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टीम बनाना ही मेरा यहां पर फोकस है, ठीक है। हेड टू हेड की टीम बनाना कोई मुश्किल नहीं है यार, आप लोग खुद इतने एक्सपर्टाइज हो ना कि हेड टू हेड की टीम आप लोग इजीली बना लोगे। अगर हेड टू हेड की टीम पे प्रॉब्लम है, टेलीग्राम ग्रुप है नीचे, उसे ज्वाइन कर लेना, उस पे मैं अपनी हेड टू हेड की टीम दे देता हूं। और अगर आप लोग उसका पास्ट रिकॉर्ड देखोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों की एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। यहाँ ओपन चैलेंज है, किसी की भी एक्यूरेसी हमारी जितनी नहीं है हेड टू हेड पे, ठीक है, ओपन चैलेंज है सभी के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो होपफुली आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक पक्का से कीजिए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों को इस मैच के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।